नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इंडसइंड मनी मनी पे। इंडसइंड मनी एक ऐसा ऐप है जिसमें आप यूएस स्टॉक खरीद सकते हो। साथ में ये आपके पूरे पोर्टफोलियो को, यानी आपने अगर होम लोन लिया है, आप एफडी करना चाहते हो, आपके बैंक अकाउंट में क्या पैसा है, आप किस चीज़ में इन्वेस्ट करो तो आपको जितना ज़्यादा फ़ायदा होगा, प्लस आपकी ये सैलरी को भी, यानी आपके इनकमिंग सोर्स को, इनकम को एनालाइज करके ये भी बताता है कि आपको इमरजेंसी फ़ंड कितना रखना चाहिए आज के टाइम पे। आज के टाइम पे आपके पास इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, क्योंकि हम लोग वो कैलकुलेशन कभी नहीं करते। यही सबसे ज़रूरी है कि हम अपना इमरजेंसी फ़ंड तैयार करें। जैसे मैं हमेशा पहले भी पूछी हूँ वीडियो, अगर आप शेयर मार्केट क्रिप्टो करेंसी वाले वीडियो देखे होंगे, जिसमें मैंने हमेशा बोला है कि आप 30% आपके पास जो भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो उसको एफडी और आरडी में डालें, जो कि मैंने बहुत कम बोला है। बट अगर आप इसके एनालिसिस के हिसाब से जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आपको कितना इमरजेंसी फ़ंड रहना चाहिए। और जिस जो इमरजेंसी फ़ंड इसने मुझे बताया है वो तो बहुत ज़्यादा है। डेफिनेटली जो मेरी अर्निंग सोर्स है और जो मेरा इन्वेस्टमेंट है उस हिसाब से, तो डेफिनेटली उसने सही कैलकुलेट किया, जो मैंने रियलाइज़ किया आफ्टर कैलकुलेटिंग इट कि दे उनकी इनका सिस्टम काफ़ी अच्छा मुझे बता रहा है। प्लस सबसे अच्छी बात है कि ये आप जब इसको रिकमेंड करते हैं और आप किसी को रेफ़र करते हैं, तो अगर कोई ज्वाइन करता है और केवाईसी केवल ज्वाइन ही करता है, तो आपको ये फ्री में स्टॉक्स देते हैं। अगर आप देखोगे तो आज के टाइम पे मेरे पास ये सब स्टॉक मुझे फ्री में मिले हुए हैं, ये मेरे रिवॉर्ड है। यानी 454 रुपीज़ का स्टॉक्स मुझे फ्री में मिल गया। अब इन स्टॉक की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, मेरा अवार्ड और बढ़ता ही जाएगा ये ऑटोमेटिकली। अगर आप देखेंगे मेरा रिवॉर्ड, मैं अब रिवॉर्ड पे आता हूँ, तो ये मुझे पहले ही इतना दे चुका है। ये देखिए, ये पूरे रिवॉर्ड मुझे मिल चुके हैं। 334 नेटफ्लिक्स का स्टॉक मिल गया है, एप्पल के स्टॉक मिल गए हैं। और ये मुझे अभी पता चला कि यूएस में सबसे अच्छी बात होती है कि वहाँ पे आपको एक क्वांटिटी नहीं खरीदनी, वो आप रुपीज़ के हिसाब से, डॉलर के हिसाब से आप खरीद लीजिए। मान लो ये एप्पल का स्टॉक $1,000 का या $100 का, मैं एक मान के चल रहा हूँ $100 का है, तो एक स्टॉक $100 का है, तो ज़रूरी नहीं कि आपको एक स्टॉक खरीदना है, यानी $100 इन्वेस्ट करना है। आप चाहो तो $5 का स्टॉक खरीद सकते हो। ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे, जबकि वही चीज़ इंडियन स्टॉक में नहीं होती। आपको क्वांटिटी खरीदनी पड़ती है इंडियन स्टॉक में, न कि आप अमाउंट के हिसाब से खरीद सकते हो। यहाँ पे वो ड्रॉबैक है। फॉर एग्जांपल अभी श्री सीमेंट का स्टॉक है, वो 20,000 है। अगर किसी को खरीदना भी चाहे तो वो नहीं खरीद सकता है, भले वो अच्छा रिटर्न हमें दे रहा है, लेकिन आपको 20,000 डालना ही पड़ेगा। यानी छोटा इन्वेस्टर उस स्टॉक को कभी भी नहीं खरीद सकता। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, और ये चीज़ें मुझे अब पता चली जब मैंने इंडसइंड मनी ऐप डाउनलोड किया था। तो ये मेरे रिवॉर्ड है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने, क्योंकि मेरा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट चालू हो चुका था, मेरा क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट चालू हो चुका था, कुछ MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज़ में मैंने पैसे डाले, फॉरेक्स में भी मैं ट्रेडिंग चालू कर दिया है। लेकिन यस, फॉरेक्स में ट्रेडिंग मैं नहीं करता हूँ, आई हैव हायर्ड अ मैनेजर हु इज़ डूइंग इट। वो कमीशन बेसिस पे वो काम करता है, वो कमीशन बेसिस पे जो भी कमीशन हम दोनों के बीच में म्यूचुअल हुआ है, जो भी प्रॉफिट होता है हम दोनों आपस में बांट लेते हैं। मैंने US स्टॉक मार्केट नहीं किया था, बट इंडसइंड मनी ने मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया है जिससे मैं प्लेटफॉर्म को यूज़ करके मैं पैसे को डाल सकूं, और मैंने पैसे भी इन्वेस्ट किया है। मैंने इसमें $65 डाला था 3 से 4 दिन पहले। ये नॉर्मली आप जो भी पैसा इसमें डालते हो, ये आपका 3 से 4 दिन उसको लेता है ट्रांसफ़र होने में। तो ये ध्यान रखिए कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, और मैंने वही किया था, लेकिन उसका मुझे फ़ायदा ही हुआ, क्योंकि कल फेसबुक का यानी मेटा का स्टॉक 26% डाउन हुआ था, तो मुझे वो काफ़ी अच्छे दाम पे मिल गया है। होप सो कि वो अब आगे बढ़ेगा, तो मैं ऑलरेडी 25% प्रॉफिट में रहूँगा, जिनके पास भी वो स्टॉक पहले से था उनके कंपेरिजन में। तो मैं आपको स्टॉक भी दिखा देता हूँ कि कैसे मैं खरीद और बेच सकता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। पैसा ट्रांसफ़र करना भी बहुत ईजी, आप KYC कीजिए, आप स्टॉक पे जाएंगे, आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक सेकंड, मैं इसको पॉज करके फिर से आता हूँ। अब देखिए, कल मैंने 2 दिन पहले एक्चुअली $65 ट्रांसफ़र किए थे। $65 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 5,000 रुपीज़, INR में 5,000 किया था, बट ये ऑटोमेटिकली सिस्टम आपको इसमें डॉलर कन्वर्जन करके दे देता है, और आप जो चाहे स्टॉक वो खरीद सकते हो। अब अगर आप देखोगे कि ये पूरा, इसमें सबसे अच्छी बात है कि पूरे स्टॉक दिखाता है, टॉप टेक स्टॉक दिखाएगा, टॉप US ETF कलेक्शन दिखाएगा, ग्लोबल ETF कलेक्शन दिखाएगा, नॉन इक्विटी ETF हैं, आप हॉट स्टॉक में डालना चाहते हो वो कर लो, टॉप गेनर्स आप डालना चाहते हो कि सबसे ज़्यादा टॉप गेनर कौन है, किस में हम पैसा डालें वो भी आपको दिखाता है, टॉप क्रिप्टो स्टॉक्स एंड ETF वो भी आपको यहाँ पे दिखाता है। यानी क्रिप्टो का आप देख सकते हो ना कि कॉइन बेस यहाँ पे रजिस्टर्ड है, पेपाल होल्डिंग्स है, सीरेन है,
सेम टॉप लूजर्स भी आपको दिखाता है, फार्मा स्टॉक्स जो टॉप के हैं वो भी यूएस में जो लिस्टेड हैं वो सब दिखा देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने टॉप टेक स्टॉक में क्लिक करता हूँ, और आपको भी पता है कि एप्पल सबसे बड़ी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन मीन्स गूगल, फिर मेटा प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एनवीडिया, असमी, अडोबी ब्रॉडबैंड। तो अभी मैंने क्या किया, मेरे पास देखिए मैंने आपको पहले बताया कि $65 डाला था, और अब मेरे पुराने वीडियो देख रहे होगे, जैसे कॉइन स्विच का वीडियो बनाया मैंने, कॉइन स्विच में मैंने क्या किया है 1000 रुपीज़ एक लाइन में रख दिए, तो 1000 मतलब यहाँ पे मैं $10 पकड़ लेता हूँ अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि मुझे $10 याद रहेगा। तो यहाँ पे भी मैंने $10 का एक बेंचमार्क पकड़ा है, उसके हिसाब से मैंने इन्वेस्ट कर दिया। अब आप अभी देखिए मैंने इसमें ताइवान में भी $10 डाला था तो 10.06 हो गया है, ये आज बढ़ा है। एप्पल में भी $10 डाला था जिसमें लॉस हुआ है तो 9.85 है। माइक्रोसॉफ्ट में भी $10 डाला था 9.94 है। मेटा प्लेटफॉर्म में 9.72 है। अल्फ़ाबेट में क्लास ए है। अमेज़ॉन पे 10.01 है, ये एक्चुअली 12% बढ़ा था, लेकिन अगर शेयर मार्केट क्रिप्टो करेंसी में जैसे मैंने +40 -40 का थ्रेश पॉइंट रखा है, यानी 1000 के ऊपर अगर वो +40% जाएगा तो मैं अर्न करूँगा, बट स्टॉक मार्केट और US स्टॉक मार्केट मतलब मीन्स इंडियन स्टॉक मार्केट और US स्टॉक मार्केट में मेरा सिंपल सा रूल रहेगा, 10% मैंने अर्न किया तो मैं उसको सेल कर दूंगा और उसको प्रॉफिट बुक कर लूँगा। अब आप देखोगे तो अमेज़ॉन का एक्चुअली मेरा 10.09 था जिसको मैंने अभी बेच दिया था। आप इसमें ट्रांजेक्शन देखो, आप इसमें ट्रांजेक्शन कहाँ पे है मैं भी देख रहा हूँ, मुझे भी अभी इतना पता नहीं है। तो मैंने एक्चुअली इसमें $10 डाला था, सॉरी इसमें तो ये दिखा रहा है, हाँ ये ट्रांजेक्शन, सॉरी आप देखो अभी ट्रांजेक्शन कितना था, मैंने 3 फरवरी को 2811 का था तो मैंने कुछ बाई कर लिया था, ये 0.0 यूनिट, ये एक्चुअली $10 था। यहाँ पे दिखा रहा है क्या $10, यहाँ पे देखिए नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे इस यूनिट्स बॉट 0.00356, ये अप्रॉक्सीमेटली $10 का खरीदा था, और मैंने आज अभी जैसे ये $11 को क्रॉस किया अमेज़ॉन का स्टॉक, मैंने इसको बेच दिया $1 का। तो $1 जब मुझे यहाँ पे आ गया था, जैसे यहाँ पे आपको देखिए दिखा भी रहा है यू रिसेंटली सोल्ड, ये देखिए ये वाला आप इसको आप पढ़ेंगे ना, सॉरी ये चीज़ों को, सॉरी ये इंपॉर्टेंट आप देखोगे ना, तो ये इंपॉर्टेंट जो लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे आप, तो लिखा है यू रिसेंटली सोल्ड शेयर वर्थ ₹1 एंड इट विल बी सेटल्ड इनटू द योर यूएस वॉलेट विद इन 2 business days। हाउएवर यू हैव यूज्ड दिस अनसेटल्ड फंड्स टू मेक मोर परचेज देयर बाय रिजल्टिंग इन फर्स्ट गुड फेथ वायलेशन। अच्छा तो इन्होंने ये बोला है कि जब तक वो आपके अकाउंट में आ ना जाए तब तक आप उसको यूज़ मत करिए, क्योंकि ये फर्स्ट गुड वैल्यूएशन हो गया है। तो ये मुझे अभी नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना है कि अगर मेरे यहाँ पे आ जाता है तो मुझे तुरंत ही नहीं करना। जैसे यहाँ पे देखिए आप, अभी आप यहाँ देखो तो यहाँ पे सॉरी ये जो मैनेज लिखा हुआ है टॉप पे आप देखोगे तो मैनेज लिखा है, वॉलेट बैलेंस 0 दिखा रहा है, इन सेटलमेंट $1 दिखा रहा है। तो एक्चुअली ये जो सेटलमेंट है वो हो जाने देना चाहिए था, और उसको ही वॉलेट में जब आ जाता तब मुझे बाई करना था, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने पास $1 आया, मुझे नहीं पता था, ये पहली बार मैं कर रहा हूँ, तो मैंने $1 का ये ASML होल्डिंग्स का ले लिया जो कि अभी 1% बढ़ के $1.01 भी हो चुका है। तो नेक्स्ट टाइम मैं वो ध्यान रखूँगा कि मैं इसको ना करूँ। तो ये कुछ चीज़ें रहती हैं जब आप पहली बार करते हैं तो कुछ गलतियाँ करते हैं, कुछ चीज़ें करते हैं जिसके कारण ये दिक्कतें होती हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे, आई एम हैप्पी कि मैं एक और सोर्स ऑफ इनकम की नई स्ट्रीम पे आ गया हूँ जहाँ पे मैं US मार्केट में इन्वेस्ट कर पाऊँगा। और आई एम श्योर कि मैं जैसे शेयर मार्केट में अर्न कर पा रहा हूँ 15-20% मिनिमम साल का, वो यहाँ पे भी करने में सक्षम रहूँगा, और जहाँ तक हो भी जाता है इतना मुश्किल नहीं है। मैंने देखा है कि अगर स्ट्रेटजी सही रहे आपकी, पेशेंस आपके पास है और आप सही स्टॉक में डालते हो पैसा तो आपको मिल जाता है। तो मैंने इन सब स्टॉक्स के पुराने मतलब इनमें से आप मैक्सिमम को तो आप जानते ही हो, ताइवान सेमीकंडक्टर को आप नहीं जानते होगे, बट अगर आप इसकी हिस्ट्री पे जाओगे तो यू कम टू नो कि ये अकेली यूनिक कंपनी है, किस मतलब ये किस फील्ड में यूनिक है, आप इसके उसमें जाइए आपको पता चलेगा कि अकेली दुनिया में अकेली कंपनी है जो सेमीकंडक्टर भी बनाती है, मतलब लार्ज स्केल में मैं बात कर रहा हूँ। तो वैसे ही आपको एनवीडिया भी आपको पता है अपनी फील्ड में अलग ही कंपनी, अमेज़ॉन की तो बात ही छोड़ दीजिए। अभी टेस्ला का मैंने नहीं लिया है फिलहाल, क्योंकि टेस्ला का आई एम वेटिंग कि टेस्ला में कुछ ऊपर नीचे हो,
और मैंने जैसे ही बोला कि आपको जैसे यहाँ पे जब प्रॉफिट होगा, यानी जैसे 10% ये क्रॉस करेगा मैं सेल करूँगा, और नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगा कि वॉलेट बैलेंस में जब तक वो $1 नहीं आ जाता है तब तक मैं नया परचेस ना करूँ, वो पेशेंस मुझे रखना पड़ेगा। तो यही बताना था आपको, और ये नई शुरुआत है इंडसइंड मनी की मेरे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आप सबका टाइम देने के लिए। और ये मैं आपको एक बार डिस्क्लेमर ये देना चाहूँगा कि ये आपका पैसा है, तो ये केवल इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाया गया वीडियो है, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। और जो भी इन्वेस्टमेंट है वो मेरी चॉइस है, मैं कैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ मेरा तरीका है। अगर आपको तरीका सही लगता है तो आप कर सकते हैं, बट पैसा आपका है तो रिस्क आपका है, आप उसको अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, आप अपना एनालिसिस भी ज़रूर कीजिए। क्योंकि अगर आप इस पैसे आप मेरा फॉलो करके आप पैसे कमाओगे तो हमें खुशी मिलेगी, अच्छा लगेगा, लेकिन आप गंवाओगे तो हम कहीं से भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। क्योंकि शेयर मार्केट हो सकता है मैं जब सेल कर बाई कर रहा हूँ उस समय प्राइस अलग हो, जब सेल कर रहा हूँ तब अलग हो। अगर आपको मेंबरशिप चाहिए तो दैट इज़ डिफरेंट पार्ट, वो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, वो क्लोज़ फ्रेंड्स के साथ ही जाता हूँ मैं मेंबरशिप के लिए, जिसमें मैं उनको पहले ही बता देता हूँ कि कौन सा स्टॉक लेने वाला हूँ, कौन सा ले रहा हूँ आज, तो वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन अगर आपको आप मुझे फॉलो करते रहिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको US मार्केट के बारे में भी मैं बताता रहूँगा, इंडियन शेयर मार्केट के बारे में भी, जो मैं परचेस करता हूँ करीबन रोज़ ही अब वीडियो डालने लगा हूँ, जो भी स्टॉक मैं परचेस करता हूँ अगर आपको फॉलो करना है तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस से रिलेटेड उसमें क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है बाइंग एंड सेलिंग की, वो भी मैं बताता रहता हूँ। जैसे कॉइन स्विच की सीरीज चालू है, अब नेक्स्ट मेरी WZERX, LAR टोकन, OKX, Binance, इन सब पे भी सीरीज़ आएगी, लेकिन धीरे धीरे आएगी, तो वैसे ही रहेगा, एपिसोड्स एक एक करके आते रहेंगे, जब भी बाय एंड सेल होगा आपको भी पता चल जाएगा, नेक्स्ट टाइम आप वो फॉलो कर सकते हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे YouTube से भी एक स्ट्रीम ऑफ इनकम जनरेट करनी है जो अभी तक बहुत नीचे है, तो मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए एक स्ट्रीम ऑफ इनकम और जनरेट करने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सबका दिन शुभ हो। US स्टॉक मार्केट में मेरा मुझे बहुत खुशी मिल रही कि मैं उसमें एंटर कर चुका हूँ, और धन्यवाद दोस्तों, हर हर महादेव, जय हिंद।